हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रीति मेकअप। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ ये लुक श्रेड ये लुक शेयर करना चाहती हूँ, जिस लुक को आप करके कहीं भी पार्टी में जा सकते हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिखोगे, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखोगे अगर आपने इस लुक को क्रिएट किया। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस लुक को मैंने किस तरीके से क्रिएट किया है। आप चाहो तो टीका लगा सकते हो, आप चाहो तो टीका नहीं भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, लुक जैसा है वैसा ही करना है। और फॉल्सेस अगर आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपको फॉल्सेस लगानी या नहीं लगानी, तो देखना है ये लुक के मैंने कैसे क्रिएट किया। तो चलिए स्टार्ट करें वीडियो। और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा प्लीज़। बहुत मेहनत मैं करती हूँ, बैकग्राउंड को लेके माइंड मत लीजिएगा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करें। तो गाइस, सबसे पहले मैं ले रही हूँ गुड वाइब्स का सीरम, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बहुत ही अच्छा सीरम है ये, इसको अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना। फिर मैं लगा रही हूँ लैक्मे का मॉइस्चराइजर, ऐसा ले के अपने पूरे फेस पे अच्छे से आपको अप्लाई कर लेना है। कब आई मेकअप के लिए मैं ले रही हूँ NYB का कंसीलर। आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर से या फिंगर की हेल्प से भी इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। लूज पाउडर जो है हिमालय का, चाहे आप कॉम्पैक्ट ले लीजिए, चाहे लूज पाउडर ले लीजिए, जो भी हो आपके पास वो आप ले सकते हो। बाद आपको कोई भी ट्रांजिशन सेट लेना है, जो भी आपके पास पैलेट हो। तो मैं यहाँ पे ये वाला ट्रांजिशन सेट ले रही हूँ। और इसके बाद मैं ले रही हूँ जेल लाइनर, बाद एक ब्रश की हेल्प से, फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना। बाद मैं लूंगी एक ब्राउन सेड, ये देखिए ये वाला, और इसके ऊपर आपको लगाना हल्के से ब्लेंड करते हुए इस तरीके से। सिंपल सा आई मेकअप है, आप बिल्कुल इजी तरीके से इसको कर सकते हैं। वीक लाइनर ड्रॉ कर लेना है, वरना कोई बात ही नहीं। और इसके बाद मैं अपनी आईब्रो को फिल करूंगी, जो मैंने 200 का लिया था अमेजोन से। तो इसी से मैं अपने आईब्रो को अच्छे से फील कर लूँगी, हल्के हल्के से, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद मैं इसी के पीछे एक कॉम है, उसी से अच्छे से सेट कर लूँगी, ताकि हमारी जो आईब्रो अच्छी दिखे। और इसके बाद मैं लगाऊंगी फोटो फोकस प्राइमर, इससे आपके फेस पे बहुत ही अच्छा सा ग्लो आता है। मैं इसे आपको फुल रिकमेंड करूँगी, आप इसे ज़रूर लीजिए। मैं लूँगी सेम, इसी से मैं काजल लगाऊँगी। इसको मैं एक पेंसिल ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ओके, देन मैं वही वाला ब्राउन शेड लगाऊंगी, हल्का हल्का सा पेंसिल ब्रश से ब्लेंड करूँगी। देन मैं ले रही हूँ मेबेलिन फिट मी 230 मेरा शेड है फाउंडेशन, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से ले लूँगी। ओके, देन मैं इसमें मिलाऊँगी अपना एलेगल का लेमिनेटर, इस तरीके से इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे। ये देखिए मेरे स्किन टोन से एक टोन लाइट है जस्ट। आप चाहे तो पफी ब्रश ले सकते हैं, चाहे डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर सकते हैं। मैं करूंगी अपने पूरे फेस को कॉन्टोर, भरा भरा हो जाता है, तो इसलिए कॉन्टोरिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नोज को आप चाहें तो फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, तो मुझे नोज फिंगर से ब्लेंड करना अच्छा लगता है। कंसीलर से हम थोड़ा सा यहाँ पर हाइड करेंगे हाई पॉइंट्स पर, यही वाला सेम कंसीलर मैं ले रही हूँ NYB का लिक्विड। ओके, देन मैं यहाँ पे लगाऊंगी हिमालय का बेबी पाउडर, जो मेरे थोड़ी देर के लिए इसको हम लगे रहने देते हैं। ओके, तो चलिए अब हम अपना एक्स्ट्रा हल्का हल्का सा निकाल देते हैं।
तो यहाँ से मैं बिल्कुल लाइट वाला शेड लूँगी पिंक कलर का। हाइलाइटर वाला शेड तो अब हम लगाएंगे लिप लाइनर। मैं यहाँ पे दो शेड की लिपस्टिक ले रखी है, तो सबसे पहले हम लगाते हैं अगर आप चाहते हो तो इस तरीके से भी लिप शेड रख सकते हो, लेकिन इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये वाला शेड लगाऊंगी जो है। तो गाइस कुछ इस तरीके से मैं रेडी हो चुकी हूँ और आप चाहो तो इस तरीके से भी मेकअप लुक कर सकते हो। बट साथ ही साथ मैं आपको एक थोड़ा बड़ा सा टीका लगा के दिखा दे रही हूँ कि आप टीका लगाने के बाद आपका थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है, डिफरेंट दिखोगे। आप चाहो तो इयररिंग निकाल सकते हो, सिर्फ टीका ही पहनकर आप जा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखोगे आप, आपके फेस पे ग्लो भी रहेगा, साथ ही साथ थोड़ा सा डिफरेंट भी दिखोगे। और जो मेरी साड़ी है वो फ्रिल साड़ी है, मैंने मिंत्रा से ली थी, आप बोलोगे तो मैं लिंक दे दूँगी और इसका रिव्यू भी कर दूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर। ओके बाय बाय।